नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए गाइडलाइन जारी। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में गंगा स्नान का खास महत्व है, ऐसा माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान से लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए कुंभ में मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए जुटते हैं। हालांकि इस बार कुंभ स्नान आसान नहीं होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें, नई गाइडलाइन के अनुसार कुंभ में गंगा स्नान से पहले कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो सकता है। इससे आज न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। बता दें, राज्य में गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में औसत न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के अन्य जिलों का औसत न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। पारा शिक्षक 17 से शुरू करेंगे आंदोलन। झारखंड में सरकार बनाने के बाद पहली बार हेमंत सोरेन की सरकार को पारा शिक्षकों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। बता दें, 17 जनवरी को राज्य के 50,000 से ज्यादा पारा टीचर सत्ताधारी दल झामुमो, कांग्रेस और रायत के विधायकों को उनके आवास पर ही घेर कर विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे याद दिलाएंगे और उसे पूरा करने की मांग करेंगे। बता दें, पारा शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर 3 चरणों में आंदोलन करने की योजना बनाई है। पहले चरण में 17 जनवरी को सत्ताधारी विधायक के आवास का घेराव किया जाएगा। 9वीं और 10वीं के सभी छात्रों को मुफ्त किताब। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। बता दें, इस वर्ष से सरकार अब दोनों कक्षाओं के छात्रों को निःशुल्क किताब देगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस मामले में JSERT से प्रस्ताव मांगा है। बता दें, विभाग इस प्रस्ताव को योजना विकास विभाग के पास भेजेगा। सरकार के स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद छात्रों को किताबों का वितरण किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण के संशय पर बोले मंत्री, पहले टीका लेने को हूं तैयार। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी टीकाकरण को लेकर झारखंड वासियों में कोई संशय न हो, इसके लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद सबसे पहले टीका लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि टीका को लेकर किसी के बीच कोई संशय है तो सबसे पहले मैं टीका लेने को तैयार हूँ। बता दें, देशव्यापी कोरोना टीकाकरण को लेकर झारखंड भी तैयार है। 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। 18 जनवरी से खुलेंगे कस्तूरबा स्कूल, नेतरहाट आवासीय विद्यालय। राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सहित सभी आवासीय स्कूल 18 जनवरी से कक्षा 10 तथा 12वीं के लिए खुलेंगे। बता दें, इनमें लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय तथा झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, मांडर विद्यालय आदि शामिल हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को देखते हुए निर्णय लिया है। बता दें कि सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों को इन दोनों कक्षाओं के लिए 21 दिसंबर से ही खोलने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन उस समय आवासीय विद्यालय को खोलने की अनुमति नहीं मिली थी। ओरमांझी कांड। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित साईनाथ विश्वविद्यालय के पास जीरा बेड़ा जंगल से बरामद सिरकटी लाश मामले में पुलिस को जो जानकारी मिली है वह नफरत में की गई हत्या की ओर संकेत कर रही है। बता दें, छानबीन में पता चला है कि युवती का चरित्र ठीक नहीं था। वह लड़कों को फंसाती, उनके साथ अवैध संबंध स्थापित कर फोटो खिंचवाती और फिर ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने की कोशिश करती थी। युवती के पहले पति से भी पुलिस को छानबीन में इससे संबंधित कई अहम जानकारी मिली है। बता दें, शेख बिलाल को भी उसने ब्लैकमेल की। झारखंड के 3800 आत्मनिर्भर किसान होंगे सम्मानित। विकास भारती बिशुनपुर के 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर संस्था द्वारा झारखंड राज्य के सभी जिलों में आत्मनिर्भर भारत के तहत 3800 स्वावलंबी किसानों को सम्मानित किया जाना है। बता दें, इस सम्मान समारोह की शुरुआत राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विवेकानंद जयंती पर ऑनलाइन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी केवल महान संत ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान देशभक्त, विचारक, वक्ता, लेखक और मानव कल्याण के प्रेमी थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत भी रहे। झारखंड में 127 नए मरीज मिले हैं, जो रांची से 52, बोकारो 8, चतरा 2, देवघर 2, धनबाद 23, पूर्वी सिंहभूम 18, गुमला 3, कोडरमा 4, लातेहार 1, लोहरदगा 2, पलामू 2, रामगढ़ 5, सरायकेला 1, सिमडेगा 1, पश्चिमी सिंहभूम से 3 मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल मौत 1048 है, वहीं एक्टिव केस 1356 है।
भारत में नए केस 14,898 मिले हैं। कुल मौत 1,51,542 है। वहीं भारत में एक्टिव केस 2,12,013 है। झारखंड में कोरोना वैक्सीन आज 10 बजे पहुंचेगी। झारखंड में आज कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने वाली है। बता दें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंच रही है। राज्य के स्टेट वैक्सीनेशन ऑफिसर डॉक्टर अजीत ने बताया कि इसके लिए सारी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज निजी विमान से सुबह 9 से 10 बजे के बीच कोरोना वैक्सीन की पहली खेप बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगी, जहां से वैक्सीन वैन से उसे नामकुम स्थित स्टेट वैक्सीन स्टोर पहुंचाया जाएगा। झारखंड में 11 महीने में 1657 महिलाएं बच्चियां बनी हैवानियत की शिकार। झारखंड में अपराध और अपराधी बेलगाम है। बता दें आए दिन घट रही दुष्कर्म हत्या व हैवानियत की घटनाओं ने प्रदेश की विधि व्यवस्था को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। झारखंड पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 11 महीना जनवरी 2020 से नवंबर 2020 में राज्य में 1657 महिलाएं बच्चे हैवानियत की शिकार बनी है। हर महीने औसतन 150 व प्रतिदिन 5 महिलाओं बच्चियों के साथ हैवानियत हुई है। रांची में पानी कनेक्शन लेने के लिए देना होगा 7,042 रुपये तक। जनता अभी कोरोना की मार से उबरी भी नहीं थी कि राज्य सरकार ने पानी का नया कनेक्शन लेना कई गुना महंगा कर दिया है। बता दें पहले जहां रांची में महज 500 रुपये में पानी का नया कनेक्शन मिलता था, वहां अब प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से नए कनेक्शन के लिए भुगतान करना होगा। बता दें यदि आपका पक्का का मकान 1,000 स्क्वायर फीट का है तो नए कनेक्शन के लिए 7,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। पलामू बाघ अभयारण्य में मई 2020 से नहीं दिखे बाघ। पलामू बाघ अभयारण्य में नए सिरे से बाघों की तलाश का प्रारंभिक नतीजा निराशजनक है। बता दें यह माना जा रहा था कि नक्सली गतिविधियां इंसानों की दखल के कारण बाघ घने वन की ओर रहने लगे हो, इसलिए बाघों का प्रमाण ढूंढने के लिए पिछले वर्ष अक्टूबर में करीब 350 कैमरों का स्थान बदलकर घने वन की ओर लगाया गया, लेकिन इन कैमरों की हजारों फुटेज में अब तक एक भी बाघ नहीं दिखा। रिकॉर्ड के अनुसार फरवरी 2020 तक पीटीआर में बाघ दिखा, उसके बाद 11 महीने हो गए पीटीआर में बाघ नहीं दिखे। सिटी बस का सफ़र महंगा होगा, पार्किंग शुल्क भी बढ़ेगा। सिटी बस में बैठने से लेकर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना महंगा होने जा रहा है। बताते रांची नगर निगम ने सिटी बस का भाड़ा और पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर ली है। 21 जनवरी को होने वाली बोर्ड की बैठक में इस संबंध में निगम प्रस्ताव ला रहा है। इसके तहत सिटी बस के भाड़ा 25 से लेकर 50 फीसदी तक बढ़ोतरी की जा सकती है। बता दें वर्तमान कचहरी चौक से मेन रोड होते राजेंद्र चौक तक सिटी बस भाड़ा महज 5 रुपये है, जिसे निगम बढ़ाकर 10 रुपये तक कर सकता है। प्रारंभिक स्कूलों की छुट्टियों की लिस्ट जारी, संघ ने जताई आपत्ति। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में छुट्टियों की लिस्ट प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी कर दी है। बता दें प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने रविवार अवकाश को छोड़कर 60 दिन की छुट्टी की लिस्ट जारी की है। इसमें 17 मई से 5 जून तक गर्मी की छुट्टी मिलेगी, वहीं दुर्गा पूजा की 4 दिन और 5 दिन शीतकालीन अवकाश मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी अवकाश तालिका को अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने त्रुटिहीन करार दिया है और इस पर आपत्ति जताई है। झारखंड के पाकुड़ में पकड़ा गया 18 ऊँटों से भरा ट्रक। राजस्थान से बांग्लादेश के बीच ऊँटों की तस्करी हो रही है। बता दें झारखंड के पाकुड़ में 18 ऊँटों से लदा हुआ ट्रक पुलिस ने बरामद किया है। इस बरामदगी से खुलासा हुआ है कि ऊँट बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों तक पहुँचाए जाते हैं, वहाँ से ऊँटों को बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करा दिया जाता है। बता दें झारखंड के पाकुड़ जिले में वन विभाग ने गोकुलपुर स्थित चेकनाका के पास से सोमवार की देर रात छापेमारी कर 18 ऊँटों से लदे जब्त किया। सरकार नई पर्यटन नीति जल्द राज्य की जनता के समक्ष पेश करेगी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर इको टूरिज्म फेस्टिवल के तहत इको रिस्ट्रीट के आयोजन की योजना बन चुकी है। इसके लिए नेतरहाट, मसानजोर, डिमना लेक, पतरातु डैम जैसे जगहों का चयन किया गया। बता दें इको रिस्ट्रीट का मुख्य उद्देश्य झारखंड में पर्यटन के इकोसिस्टम की ब्रांडिंग करना है। इसके तहत इको रिस्ट्रीट के पहले चरण में नेतरहाट में इको टूरिज्म शुरू करने की योजना है। साथ ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई पर्यटन नीति जल्द राज्य की जनता के समक्ष पेश करेगी। और
ओरमांझी कांड, 9 दिन बाद मिली युवती का सिर। राजधानी रांची के ओरमांझी में युवती की हत्या की गुत्थी सुलझाने के करीब पुलिस पहुंच गई है। बता दें 3 जनवरी से लगातार 9 दिनों तक रांची पुलिस के लिए ये मामला सिरदर्द बना हुआ था। चंदवे से शेख बिलाल के खेत में गाड़ा गया युवती का कटा हुआ सिर पुलिस के अधिकारियों ने खुदवाकर निकलवा लिया है। झारखंड में फ्लेवर तथा सुगंधित युक्त तंबाकू की बिक्री पर रोक। झारखंड में फ्लेवर तथा सुगंधित युक्त तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी है। बता दें पान मसाला के ट्विन पैक की भी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अब एक ही दुकान में तंबाकू और जर्दा दोनों नहीं बिकेगा। साथ ही तंबाकू की बिक्री के लिए नगर निगम या नगर पालिका से अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा। रांची में 13 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दो युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। रातू थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें सोमवार की शाम 13 वर्षीय नाबालिग घर से सामान लेने के लिए निकली थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक उसे जबरन अपने साथ ले गए, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। काफी देर तक जब नाबालिग घर नहीं लौटी तो परिजनों ने इसकी सूचना रातू थाना को दी। हालांकि अगले सुबह 4 बजे के आसपास नाबालिग अपने घर लौट आई। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि दो युवक उसे उठा ले गए थे। खुट्टी में शिक्षा विभाग का क्लर्क 14,000 घूस लेते धराया। खुट्टी के शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत बसंत कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 14,000 रुपये घूस लेते पकड़ा है। बता दें एसीबी की टीम ने लिपिक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका। दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने स्पीकर को वापस झारखंड हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। बता दें मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड विधानसभा स्पीकर की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और स्पीकर की याचिका खारिज कर दी। धनबाद रांची इंटरसिटी स्पेशल 15 जनवरी से चलेगी। धनबाद रांची इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन का 15 जनवरी से परिचालन शुरू होगा। बता दें सोमवार को पूर्व मध्य रेलवे ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्ण रूप से आरक्षित ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के यात्रा की अनुमति नहीं होगी। बुधवार सुबह 8 बजे से इस ट्रेन की बुकिंग शुरू होने की संभावना है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के भाई समेत 7 को उम्र कैद। बोकारो में 25 वर्षीय संतोष पांडे की पीट पीट कर हत्या के मामले में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के भाई बैजनाथ महतो सहित 7 लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें तेंदुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम राजीव रंजन ने सजा सुनाते हुए सभी पर 10,000 रुपये जुर्माना भी किया है। बैजनाथ के अलावा जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें गणेश भारती, नेमीपुरी, कैलाशपुरी, जितेंद्रपुरी, नीरजपुरी और केवल महतो हैं। कृषि कानून वापस लेने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी की ओर से यह मांग की गई है कि अब बिना कोई विलंब किए केंद्र सरकार इस कृषि कानून को वापस ले ले। बता दें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मंगलवार को कहा कि पार्टी उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है। यह कृषि कानून देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। आवश्यक सूचना, यदि आप भारत के टॉप 20 प्रमुख खबर जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाएं। थैंक यू।